वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की अपनी जो क्लास होगी उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस है उसमें कॉन्सेप्ट नंबर एक के हिसाब से हिंदी वाक्य को इंग्लिश वाक्य में बदलना अपन सीखेंगे, वो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए हम उसकी हिंदी पहचान जानेंगे, फिर बाद में उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो हिंदी पहचान होगी, हिंदी पहचान, तो हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई हिंदी वाक्य हो तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, रहा होगा, रही होगी और रही होंगी, इसी इस प्रकार से वहाँ लास्ट में वर्ड्स आएंगे। जैसे कि मैं खाना खा रहा होगा या फिर बच्चे खेल रहे होंगे, राम घर जा रहा होगा, तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य आएंगे। अब इसकी हेल्पग्राम की अगर बात करते हैं तो हेल्पग्राम जो है वो सभी जो चारों फ्यूचर टेंस के जो चारों टेंस होंगी उसमें बिल से एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब होगी, सब में कॉमन ही होगी, लेकिन उनके साथ में कुछ वर्ड्स और जुड़ जाएंगे। तो बिल सेल हम देखते हैं कि बिल सेल के साथ में यहाँ हम बी का यूज करेंगे, बाकी इनका जो सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा इसका आई और बी के साथ में और इनका अदर्स और सब में यूज हो जाएगा, आई ई सी यू इट देयर नेम सिंगुलर प्लुरल के साथ में। तो अब हम जानेंगे कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे। अब हम इसके फॉर्मूले के ऊपर विचार करेंगे और हमें देखेंगे कि इसमें जो वी वर्ब है उसकी उसके साथ में हमें आईएनजी का यूज करना होगा। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज हम करेंगे, तो सब्जेक्ट के बारे में विल सेल और विल सेल के दृष्टिपात में हम बी का यूज करेंगे और उसके दृष्टिपात बी वर्ब में हम आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर नेगेटिव फॉर्मूला अगर हम देते हैं तो हमें सब फॉर्मूला तो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन विल सेल और बी के बीच में हमें नॉट का यूज करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मूला यथावत रहेगा, वही बी वर्ब में यूज होगा तब से ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इंटरगेटिव फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं तो विल और सेल का यूज हम आगे करते हैं सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें बी का यूज करना है, तो बी वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाना है और इंटरगेटिव वर्ब में जरूर लगाना है। और अगर हम इंटरगेटिव सेंटेंस बढ़ाते हैं तो विल सेल सब्जेक्ट और बी से पहले हमें यहाँ पर नॉट का यूज करना होगा और वही बी वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब हम इन फॉर्मूलों को इन भी जो सेंटेंस हैं उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है आपको, यहाँ लिखा है कि विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट अपना विद्यार्थी रहेगा तो हम इसे कहेंगे स्टूडेंट्स कहेंगे, और इसके साथ में हमने फिल का यूज करना है, इसके साथ में हमें बी का भी यूज करना होगा। और इसके तुरंत बाद हमें खेलना हमारी क्रिया हो गई, तो वही क्रिया हो गई बी वन यानी प्ले के साथ में हमें आईएनजी का यूज करना है, तो स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग, अब वो क्या खेल रहे हैं मैच। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, स्टूडेंट्स विल बी प्लेइंग मैच। नेगेटिव अगर हमें बनाना हो तो हम करेंगे स्टूडेंट्स will not be playing match, ठीक है। अब अगर हमें इंटरगेटिव करना होगा तो हमें यहाँ पर will को डालना होगा, इससे वो बन जाएगा इंटरगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसका मतलब होगा कि क्या विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे। और नेगेटिव करना हो तो हमें यहाँ पर नेम नॉट का यूज करना होगा, तो वो होगा कि क्या विद्यार्थी मैच नहीं कर रहे होंगे। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं एडवर्ब्स की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस होगा उसमें हम यूज ऑफ एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब्स का इसमें यूज होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है, अगर मान लो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में इस प्रकार से, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में अगर एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट आ रहा हो तो आप उनके साथ में टुमारो का यूज कर रहे हैं, जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, और उसके अलावा एवरी संडे, एवरी वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस इवनिंग, ईटीसी। इस प्रकार के अगर एडवर्ब्स या वर्ड्स सेंटेंस में आ रहे हों तो हमें वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि क्या करना होगा, विल और शैल प्लस बी वन में आईएनजी का यूज हमें करना होगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी तभी हम इन्हें कर पाएंगे। तो हम एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू के बाद में स्पेस योर लेसन दिस टाइम टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पर लर्न दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि यू के साथ में हमें वी का प्रयोग और डी का प्रयोग करना है, उसी के साथ में हमें वी वन में आई एन जी लगानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे यू विल बी लर्निंग, यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो, यहाँ पर गेट भी आएगा। नेक्स्ट जैसे आई है, आई के साथ में टू, अब इस टाइम पर एवरी संडे को यहाँ दिया गया है गो। अब हमें मालूम होना चाहिए कि आई के साथ में विल का यूज होगा या सेल का यूज होगा। तो हम देखते हैं कि आई के साथ में विल का यूज नहीं होगा, आई के साथ में सेल का यूज होगा। तो हमें सेल प्लस बी और बी वन में आई एन जी यहाँ पर लगाना है। तो आई सेल बी गो दिया हुआ है, तो गो की जगह हमें गोइंग का यूज करना होगा। तो यहाँ आएगा कि आई सेल बी गोइंग टू टेम्पल एवरी संडे। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है वो अपने आज कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टेंस होगा वो होगा अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।